एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं अहम खबर। प्रोटेस्ट करने बैठे हुए, इतनी आजादी तो दी रखी है तुम्हारे को। यहाँ का पार्लियामेंट, यहाँ का एमपी जो पूरे देश को ये बताता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जीत सकता हूँ, अरे हैदराबाद के पार्लियामेंट में घासी बाजार जो दिल है उस पे ही तू नहीं जीत सका तो बाकी जगह कहाँ जीत सकेगा। घासी बाजार पे नाच करना है तो दिल चाहिए, दिल। और ये घासी बाजार की जनता जानती है, पढ़ी लिखी है, इसीलिए जानती है कि किसको चुनना है और किसको नहीं। और अभी तुम दूर भी नहीं जब हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट भी उससे छीन जाएगी। जितने नेता इस सीएए के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, जरा गौर से सुनो, देखो वो क्यों उठा रहे हैं। सोनिया गांधी हु रिफ्यूज टू टेक द सिटीजन ऑफ इंडिया, ममता बनर्जी जो रेफ्यूजियों को पाल रही है वोट बैंक के कारण। तो ये जितने भी नेता हैं वो खाली अपनी सीट बचाने के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अरे आपके घर में कोई घुसकर आएगा और बैठेगा और वहां पर हक जताएगा तो क्या आप निकालेंगे नहीं उसको? तो फिर गलत क्या है? आपके पास कोई मदद मांगने आएगा जो वाकई में लाचार है, जो मजबूर है, जिसके ऊपर त्राही मची जा रही है, अगर वो आपके पास आया तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? तो जब हम माइनॉरिटी लोगों को मदद कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में बसे हुए, पाकिस्तान में बसे हुए, बांग्लादेश में बसे हुए माइनॉरिटी लोग हैं, अगर हम उनको यहां पर नागरिकता दे रहे हैं तो किसका क्या जा रहा है? भारत की जनता चाहती है उनको नागरिकता देना, तो ये कुछ चुनिंदा लोग कैसे कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया? मित्रों, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये टोपी, सतर्क रहो। इसका काम ही है हर चीज में ऑब्जेक्शन उठाना, क्योंकि यहां का पढ़ावा नहीं है ना, लंदन का पढ़ावा है तो समझ में कम आता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन ऑब्जेक्शन उठाना बंद कर देगा। उसका काम है लोगों को गुमराह करना। जब एक्ट में कुछ है ही नहीं तो गुमराह क्यों कर रहा है? सीट बचाने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए। तो मित्रों, आप सब आवाज दो, जब तक देश में नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तब तक हमारे देश में जो ये 70 साल से हम आजाद रह के भी गुलामी की अवस्था में रह रहे थे उससे मुक्त होंगे। तो हमें चाहिए कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार। हमें चाहिए ऐसी सरकार जो जनता के लिए, हित के लिए बात करे। आज वहां पर आंदोलन में बैठे हुए कितने लोग हैं?